नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। अशकों से मोतियों को भिड़ो कर बतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। अब आज भी दो शेर पढ़ना था मुझे, यहाँ तक लाया उसने। पंजे का ताज दिल के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में शाने लगा दिए। पेशीर घर से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। पहलोन का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरो कर बतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। तो फिर भी वो एक हुसैन से बैत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। फिर भी वो एक हुसैन से बैत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। वो काम एक लम्हे में बेसीर कर गया, वो काम एक लम्हे में बेसीर कर गया, जिसमें पैगंबरों ने ज़माने लगा दिए। वो काम एक लम्हे में तस्वीर कर गया, जिसमें पैगंबरों ने ज़माने लगा दिया। सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ हालांकि पैगाम के तौर पर, और तारीफ चाहूंगा बुजुर्गों की, वो काम एक लम्हे में तस्वीर कर गया, जिसमें पैगंबरों ने ज़माने लगा दिए। शोहरत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया, शोहरत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया। जिक्रे अली के साथ ही गाने लगा दिए, शोहरत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया। 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 जिक्रे अली के साथ ही गाने लगा दिया। शोहरत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया। शोहरत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया। जिक्रे अली के साथ ही गाने लगा दिए। जिक्रे अली के साथ ही गाने लगा दिए। हम चार मिसरे पेश करता हूँ कि गवाही देती है तारीख ये जमाने से, गवाही देती है तारीख ये जमाने से। गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहाँ बुजदिली छुपाने से। गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहाँ बुजदिली छुपाने से। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जुबैर को नहीं रोक पाए जाने से। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जो एक गुर को नहीं रोक पाए जाने से। थोड़ा सा और मेरा हौसला अफजाई करें, तारीख की रोशनी में चार दूसरे नासिर भाई देखेंगे, खास तौर से आखिरी मजमे तक, कि मिजाजे हजरते ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम। मिजाजे हजरते ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकाम खूने सरवर लेके जाएगा। पूरी तवज्जो आखिरी दो मिसरे पे, मिजाजे हजरते ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकाम खूने सरवर लेके जाएगी। अरे नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, पहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाए। नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, पहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाए। नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। तारीख ये विचार उसे, जब काफिला शाम करबला से शाम गया और शाम में तय हुए, जब रिहाई हुई तो ये काफिला सबसे पहले कहाँ आया, वापस करबला आया।
ये चार मुझे इस बात को पेश नजर रखते हुए बात करने की कोशिश है जैसे अब्दुल्ला नासिर भाई के हकीकत है यही के खौफ का मारा नहीं आता अगर कोई बात हो हकीकत है यही के खौफ का मारा नहीं आता सिपाही जंग के मैदान में हारा नहीं आता अल्लाह सुभान अल्लाह पूरी तवज्जो हकीकत है यही के खौफ का मारा नहीं आता सिपाही जंग के मैदान में हारा नहीं आता शहीदों की अगर कर्बोबला में जीत ना होती तो लेके काफिला बीमार दोबारा नहीं आता शहीदों की अगर कर्बोबला में जीत ना होती तो लेके काफिला बीमार दोबारा नहीं आता हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं हमारे खून में शामिल है सब हमारे खून में शामिल है सब कहे अफसर इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं अब आखिरी दो शेर इस कलाम का पूरी तवज्जो अगर कोई बात हो तो दुआ सुनवा दीजिएगा हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं हमारे खून में शामिल है सब कहे अफसर इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं तो सफर से सैयद सज्जाद आए हैं लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं सैयद सज्जाद आए हैं लेकिन बड़ा कीमती शेर पढ़ दिया सफर से सैयद सज्जाद आए हैं लेकिन आखिरी शेर सलाम का हुसैन वाले अंधेरे में जाकर चलते हैं चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं हमारे खून में शामिल है सब कई असगर इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं सफर से सैयद सज्जाद आए हैं लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं अरे बता रहे हैं ये शमशीर नैजा से जो जी जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं बहुत शुक्रिया आखिरी में मुसद्दस के करबला के हवाले से मुसद्दस बिल्कुल नया है मैं दो दिन बन रहा हूँ इजाजत ले लूंगा इजाजत है बिल्कुल नया करबला के हवाले से मुसद्दस करने की कोशिश की है अभी कहीं बिल्कुल नया करवा पेश करता हूँ कि करबला दीन भी इस्लाम भी ईमान है करबला नहजे बलागा भी है कुरान भी है करबला दीन भी इस्लाम भी ईमान भी है करबला नहजे बलागा भी है कुरान भी है करबला मस्जिदों मेहराब की पहचान भी है करबला सारे रसूलों पे मेहरबान भी है अब बैस सुनिए करबला दीन भी इस्लाम भी ईमान भी है करबला नहजे बलागा भी है कुरान भी है करबला मस्जिदों मेहराब की पहचान भी है करबला सारे रसूलों पे मेहरबान भी है करबला कब्र में बख्शिश का चमन देती है करबला हमको तबर्रुक में कफन देती है करबला कब्र में बख्शिश का चमन देती है करबला हमको तबर्रुक में कफन देती है करबला फतह का हाथों में अलम रखती है करबला जुल्म से टकराने का दम रखती है करबला मौत करबला जुल्म से टकराने का दम रखती है करबला पांव तले तक के सितम रखती है करबला मौत की छाती पे कदम रखती है करबला जुल्म से टकराने का दम रखती है करबला मौत की छाती पे कदम रखती है करबला सब्र से जालिम की कमर तोड़ेगी करबला तालिबे बैत को नहीं छोड़ेगी करबला तालिबे बैत को नहीं छोड़ेगी और ये बंद खास तौर से करबला हजरत शब्बीर की सरदारी है करबला हजरत अब्बास की फुदारी है करबला उनो मोहम्मद की वफादारी है करबला में अली अकबर की जमींदारी है बहुत गंदी बन मैंने पढ़ दिया करबला हजरत शब्बीर की सरदारी है करबला हजरत अब्बास की खुददारी है करबला उमर मोहम्मद की वफादारी है करबला में अली अकबर की जमींदारी है तो करबला एक जमा
मशहूर है शेरों के लिए। एक जमात है दिलेरों के लिए, करबला आज भी मशहूर है शेरों के लिए। करबला जैसी जमाने में जमी है ही नहीं, वाह वाह। करबला जैसी ये फिरदौस हंसी है ही नहीं, करबला जैसी कोई शम में यकी है ही नहीं, करबला जैसी इमारत भी कहीं है ही नहीं। वाह अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला एक समुंदर है जहाँ कतरा है, करबला आपकी हुकूमत के लिए खतरा है। अरे वाह 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 करबला एक समुंदर है जहाँ खतरा है, करबला अब भी हुकूमत के लिए खतरा है। दिल अगर खान है काबा तो जिगर कर गो भला, शम्स है खान है काबा तो कमर कर गो भला, है दुआ खान है काबा तो असर कर गो भला, है उधर खान है काबा है जिधर कर गो भला। दिल अगर खाना है काबा तो जिगर कर गो भला, शम्स है खाना है काबा तो कमर कर गो भला, है दुआ खाना है काबा तो असर कर गो भला, है उधर खाना है काबा है जिधर कर गो भला। क्या नमाजें भी कबूल होती है नियत के बगैर, हाजियों आए हो हज करने ज़ियारत के बगैर। क्या नमाजें भी कबूल होती है नियत के बगैर, हाजियों आए हो हज करने ज़ियारत के बगैर, हाजियों आए हो हज करने ज़ियारत के बगैर। करबला से जिसे दुनिया में मोहब्बत न हुई, कोई दिन ऐसा नहीं उस पे जो लानत ना हुई, जो नहीं इसका हुआ उसकी जमानत ना हुई, आज तक इससे बड़ी कोई अदालत ना हुई। पत्थरों को ये सदा, पत्थरों से ये सदा धूल को अलग रखती है, मुला को ये अलग धूल को अलग रखती है, पत्थरों से ये सदा धूल को अलग रखती है, मुला को ये अलग धूल को अलग। हमारे और आपके मेहमान शायर जनाब मेरा बनारसी साहब बेहतरीन कलाम बारगाह मौला में पेश कर रहे थे, आप महसूस हो रहे थे, आप महसूस हो रहे थे जनाब मेरा बनारसी साहब। इंशाल्लाह इनके बाद अभी दो और हमारे मेहमान शायर मौजूद हैं, बरादर जनाब फरहान बनारसी साहब और बरादर जनाब अब्बास सिरसी साहब सिरसी, और बनारस दो अभी जरते ज़मीनें हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला इनको आप फरमाएंगे बेस जबाब को बिल्कुल खदान की शायरी कर लूँ, वक्त थोड़ा सा बढ़ने लगा है क्योंकि आप शोरा के चेहरे नज़र आने लगे हैं मुझे। बेस जबाब को जनाब अली असगर के हवाले से मिसरा आपने पढ़ा था भाई, क्या हरमला के होश ठिकाने लगा दिए। याद आया कि बेस जबाब को है दरी अज़्म अमल में ढाल कर, बेस जबाब को है दरी अज़्म अमल में ढाल कर, कर दिया हैदर के जैसा छः महीने पाल कर, बेज़बान को हैदरी अज़्म अमल पे ढाल कर, कर दिया हैदर के जैसा छः महीने पाल कर। सर भाई आप नजर आ गए मुझे, कर दिया हैदर के जैसा छः महीने पाल कर। मरहबा है मादरे बेशीर तेरा लाडला, हंस रहा है मौत की आंखों में आंखें डालकर, हंस रहा है मौत की आंखों में आंखें डालकर। आइए आज के मित्रों के बाद हमारे गुजारिश करूँ समाज समाज इनको आप बिल्कुल हमत संकोच होकर बावाजे बलन नारा सरवा से।